वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10वां इंटरनेशनल योगा डे श्रीनगर में मनाया। मोदी ने डल झील पर शहरियों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से योगा के तई आज के इस जोशो जज्बे और अज़्म लोगों के जहनों में अमर हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बारिश के मौसमी हालात में लोगों के जज्बे को कम करने में नाकाम रहे। मोदी ने खुद और माशरे के लिए जिंदगी की परेशानियों से बचने में उन्होंने कहा कि योगा की अहमियत को उजागर किया और कहा कि योगा के फवायद इस वक्त हासिल किए जा सकते हैं जब ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। योगा हेल्प्स अस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बैगेज ऑफ द पास्ट। व्हेन वी आर पीसफुल विद हिम, वी कैन ऑल्सो मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।